everyone. Welcome to Physiology and Sports Part 4. In this video, we are going to learn about the effects of exercises on cardiovascular system. But before, let's just get to know about the basic functioning of heart. So this is the basic diagram of heart. Just have a look to these arrows. These arrows are showing the pathway of blood. Our heart consists of four chambers, that is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Vena cava from upper body and vena cava from lower body carries deoxygenated blood to right atrium. And then that deoxygenated blood goes to the right ventricle. Pulmonary arteries carries this deoxygenated blood from right ventricle to lungs for oxygenation. After oxygenation, blood comes back to the left atrium by pulmonary veins. After the left ventricle get filled with oxygenated blood, the blood get shifted to left ventricle. Ventricle pumps out the blood and it get distributed to entire body by aorta. So as we all know, our heartbeat rises when we do any kind of physical activity. मैंने पहले भी आपको एक example दिया था कि आप इमीडिएट एकदम जब स्टेयर्स को यूज़ करते हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो विद स्पीड, व्हाट हैपेंस, यू फील ऑक्सीजन डेप्थ, मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इंस्टेंट, है ना, आपकी सांस फूलती है, लंबी लंबी आप सांस लेते हो. वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है. एंड वी ऑल नो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करता है ब्लड. अब ब्लड को अगर पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करवाना है तो सबसे ज़्यादा लोड कौन बेयर करेगा? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है? द आंसर इज हार्ट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर हार्ट, और वी कैन से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द इमीडिएट इफेक्ट्स एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. इमीडिएट इफेक्ट्स आर दोज इफेक्ट्स विच कॉजेज राइट आफ्टर योर एक्सरसाइज एंड्स और फिजिकल एक्टिविटी एंड्स. इमीडिएट इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जो आप इंस्टेंट फील करोगे आपकी बॉडी के अंदर. एग्जांपल, आपने 100 मीटर का स्प्रिंट लिया, आप रुके और आप फील कर रहे हो दैट योर हार्ट बीट इज राइज्ड, आपकी हार्ट बीट बढ़ चुकी है. ये एक इमीडिएट इफेक्ट है. एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा इसका? यू आर ट्रेनिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यू आर ट्रेनिंग फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स. अब जो इफेक्ट्स आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू इफेक्ट्स इन वास्ट इन आर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.